हम जाने वाले आज मिजोरम के एक बहुत ही खूबसूरत जगह में, जिसका नाम है थेन्जोल। वो सांची डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग आज निकलने वाले हैं थेन्जोल ट्रिप पर। तो डायरेक्ट मिलते हैं ट्रिप में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेकार। मौसम है बहुत रंगीन। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा थेन्जोल ट्रिप। हम यहाँ पर पिछले आधे घंटे से गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं, मैं और ये सिक्किम से संजय। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रिप में जो बहुत ही लेट करते हैं। इन लोग के चक्कर में चार पिकअप मिस हो चुका है, खाली खाली। रूबेन फ्रॉम सिक्किम, चेकिम फ्रॉम मेघालय। तो आधे घंटे बैठ रहने के बाद हमको एक पिकअप मिला अभी। तो हम अभी सीधे पिकअप में खड़े होकर जा रहे हैं बैंकॉक की तरफ। मिजोरम का यही खास बात है, हमारा किस्मत इतना ख़राब है कि पिकअप वाले भैया ने हमको आधे रास्ते पे उतार दिया, क्योंकि उनको वही था कि जाना था। तो अभी हम फिलहाल पैदल चल रहे हैं कुछ देर तक, उसके बाद टैक्सी। जो रास्ता हमने फ्री में तय किया था, अभी वो रास्ता हमको टैक्सी में चलना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हम स्कूटी रेंट करके निकल चुके हैं और मैं बैठा हूँ स्टूडेंट के साथ। तो अभी लगभग 5 से 6 घंटे लगेगा हमको जाने में, तो बहुत दूर का रास्ता है। लगभग सफर का आधा घंटा 45 मिनट ही हुआ है, लेकिन इनको अभी केला खाना है। केला खाते हुए हम केला इज लव। मेरे लंबे लंबे बाल रखने का कुछ फायदा तो नहीं है, लॉस ही है। जैसे कि अभी मुझे इनको लगाम लगाने के लिए इनको बांधना पड़ा। अभी हम यहाँ पर थोड़ा रुके रेस्ट करने के लिए, फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। कुछ लोगों को नहीं बोलूँगा किसको, नेचुरल कॉल आया है, तो हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पर नेचर को अपना कॉल दे सके। तो वही ढूंढने का काम के लिए दो लोग गए हैं और बाकी सब यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं। वैसे इस जगह का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्यों, कैसे, कहाँ पता नहीं, सिर्फ इतना पता है इसको मिजोरम टूरिज़्म ने बनाया है रास्ते के बीच में। हाँ ना ऐसे डर की मैंने ऐसे डूट भी। मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था एक्सटेंशन वाला ब्लॉग, वहाँ पर हम जहाँ पर मूवी फंग गए थे वही सेम रास्ते से हम गए थे इस रास्ते से, लेकिन वहाँ पर रुकने का मौका नहीं मिला था। लेकिन लुक एट दिस प्लेस, अभी धूप है वैसे भी, लेकिन जब धूप नहीं था तब बहुत शानदार लग रहा था। और हवा क्या बताओ। वैसे अभी हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, हम 15 मिनट बाद ही रेस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों निकलते हैं ना। तो अभी हमको लगा है भूख और हम अभी लंच करने वाले हैं। बेसिकली हमारे लंच में है पुलाव और चिकन। हम जिस होटल से हमारे एडुकेशनल टूर के टाइम लंच किया था
उस होटल से हम खा रहे हैं अभी। सामने प्लेट देख रहे हो, ये है हमारा आज का लंच और टोटल खर्चा हुआ है यहाँ का 100 रुपीज। वैसा तो क्या क्या है ये, 2 रुपीज पर शीट। क्या स्वैग सा आता है, हक्के आ गए, 20 रुपए दे के हक्के आ गया। हाल इतना हॉट लड़का है कि उसे इतनी गर्मी लग रही है कि वो अभी हाफ पैंट पे बाकी रास्ता तय करेगा। अभी हम लंच वंच करके पेट को टाइट करके निकल चुके हैं, अभी और ज़्यादा नहीं 40 किलोमीटर है। बाहर जाके घूमने का प्लान था लेकिन अभी घर में 3:30 बज रहे हैं, तो कितना हो पाएगा आज पता नहीं, लेकिन कल सुबह तो श्योर घूमेंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये जो राइट की तरफ जाता है वही से हम जाएंगे जो हमको सीधे लेके जाएगा थेंजोल पे, और ये जो सीधा रास्ता चला जा रहा है वो आपको सीधे लेके जाएगा सांची ब्रिज। कुछ देर पहले ही पता चला कि 5 बजे से पहले रिजॉर्ट बुक करना है और अभी 5:10 बाकी है, ये बहुत फट रहा है। मतलब इतने जद्दोजहद के बाद 5:30 बजे हमने मिजोरम टूरिस्ट लॉज पर 3 रूम लिया, 3 रूम मतलब 3 कॉटेज लिया। हमको ईच पर्सन 500 करके पड़ा ये रूम, और रात को खाना अलग से मिलेगा। तो हम लोग रूम पार्टनर डिसाइड करने से अच्छा है जिस जिस के बाइक में जो जो आए हैं ऐसे ऐसे रूम डिसाइड हुआ है। तो मेरा रूम पार्टनर है टूटन, तो अभी यहाँ पर एक बेड, वहाँ पर एक बेड, बेड का क्वालिटी अच्छा ही है, एसी भी है, रात को आराम से सोएंगे। लेकिन हमारे रूम पे, उनके रूम पे वाईफाई था, हमारे रूम पे वाईफाई नहीं है, वाईफाई ढूंढ लेंगे हम। और यहाँ है बाहर का, हमारे बाहर कोई व्यू ही नहीं है, जंगल है सिर्फ, जंगल ही जंगल है सिर्फ। हमारा नया दोस्त एक दिन के लिए, म्याऊ म्याऊ। ओ भाई साहब, योगा करते हुए मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? पुराना मकान जैसा लग रहा है, ऊपर सब जो बाम्बू का होता है उससे बना हुआ है, एसी भी है लेकिन ये भी बाम्बू का ही है अंदर से। अभी थोड़ा फ्रेश होने का टाइम आ चुका है। तो अभी हम शाम में निकले हैं थोड़ा रात का थेंजोल घूमने। यहाँ पर डिनर जल्दी देते हैं, तो रात के लिए हम कुछ चिप्स विप्स खरीदने आए हैं। और ये यह है यहाँ का पुलिस स्टेशन। तो अल्टीमेटली चाय ढूंढते ढूंढते हम थक गए। बेसिकली ये है लॉज, अभी हम लॉज में आ चुके हैं, तो आप अगर आओ यहाँ पर रुक सकते हो आप। और ये सरकारी स्पॉन्सर्ड है, लाइक ये गवर्नमेंट का है, तो इसलिए कम पैसे में आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं। हमारा रूम का खर्चा लाइक एक रूम 1000 रुपये पड़ा, बहुत ही कम है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल का रेंट भी यहाँ का बहुत है। लाइक हम लोग एक गोल्फ कोर्स के एक होटल रिजॉर्ट पे गए थे, वहाँ का एक रूम का कॉस्ट दिखा रहा था 2400, वो भी 2 लोगों का, और यहाँ पर 2 लोगों का है 1000 सिर्फ। तो सोच ही सकते हो यहाँ पर आने से आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी मैं आपको मिजोरम टूरिस्ट लॉज का एक छोटा मोटा टूर दे देता हूँ। यह है यहाँ का डाइनिंग हॉल, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं यहाँ पर ये डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब करते हैं। और साइड में ये है रिसेप्शन, यहाँ पर ही आपको रूम बुक करना होगा और पेमेंट वेमेंट सब यहाँ पर करना होगा। और ये है हमारा आज का डिनर, यहाँ पर हमको चिकन मिला है, सब्जी का एक फ्राई मिला है कुछ, और दाल मिला है, और राइस तो ऑफकोर्स होगा ही। तो आप आग देख के समझ सकते हैं बहुत नींद आ रहा है। तो अभी थोड़ा मैच देखते हो आईपीएल का, उसके बाद खाना तो खा ही लिया, कुछ चिप्स विप्स है वो खा के सीधा सो जाएंगे, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ डे 2 फ्रॉम थेंजोल। आज
बहुत मज़ा करने वाले हैं। मैं अभी अभी नींद से उठाऊँ, अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो 1 घंटे में हमारा निकलने का प्लान है। अगर 1 घंटे में नहीं निकले तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तो अभी जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। इस रूट से आए थे और रास्ते पे ही मिज़ोरम का टूरिस्ट लॉज आ जाएगा। ये मिज़ोरम टूरिस्ट लॉज का सामने का खाली जगह है, यहाँ से एक्चुअली रिसेप्शन है, सामने से इस जगह से रिसेप्शन है। और यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कॉटेजेस है, वो छोटे छोटे कपल या फिर दो लोग आते हैं, तो ये सब दो लोगों के लिए रखा गया है। हम लोग ने 5, 6 और 7 लिया है। और ये एक छोटा सा बैठने का जगह है। और गार्डन तो बहुत ही सही तरीके से मेंटेन किया गया है, यहाँ पर मस्त है। और हाँ, कॉटेज में एक में एसी है, लेकिन हमारे में एसी जो है वो नहीं चलता। और फिर भी अभी यहाँ पर एसी का ज़रूरत है मुझे नहीं लगता, क्योंकि एसी के बिना ही मिज़ोरम को वेदर इतना अच्छा है कि एसी के बिना ही आप आराम कर सकते हैं। और वैसे ये जो रूम है, ये सब 3 लोग एक साथ रह सकते हैं, ऐसा वाला रूम है, बड़ा वाला रूम, इतने ही है। और यहाँ का किचन है, यहाँ का डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर 9 बजे निकलने का प्लान था, 10 बज रहे हैं, अभी हम निकल रहे हैं, चेकआउट भी कर लिए, चलो चलते हैं घूमने। वाटरफॉल में जाने का प्लान है, किसी किसी लोगों का अब नहाना भी है, मेरे को नहीं नहाना, बुखार आ जाएगा, फिर हालत ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले वाटरफॉल में चलते हैं। तो ये अंकल है यहाँ का वन टाइप ऑफ इंचार्ज, वो यहाँ पर इंचार्ज के साथ साथ एक दुकान भी खोल के रखे है, यहाँ पर आप खरीद सकते हो कुछ भी, चिप्स व्यूस वो सब। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया हुआ है, लाइक सीढ़ी वीढ़ी बहुत ही साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर हम वाटरफॉल देखने आए थे, देखा हमारा खुद का बंदा ही वाटरफॉल निकल रहा है। हेलो, मज़ा का किरकिरा कर दिया, पानी सूख गया गर्मी की वजह से, और यहाँ पर अभी पानी ही नहीं आ रहा, फिर भी ठीक है। बेसिकली बारिश ना होने की वजह से यहाँ का हालत कुछ ऐसा है, अगर बारिश होता तो यहाँ का झरना भी और बहुत ही अच्छे से होता, और हम फ़ोटो भी अच्छे से खींच सकते थे, लेकिन अभी क्या ही करें, बारिश नहीं हो रहा। अच्छा हुआ बारिश नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ट्रिप भी फिर कुछ गड़बड़ हो जाता। अच्छा है, फिर कभी आएंगे। आपको वाटरफॉल कैसा लगा? बहुत बुरा, बहुत बेकार, नाम ही है बेकार बस। आप लोगों को वाटरफॉल कैसा लगा? बहुत अच्छा। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Say something. How's the waterfall? Just as bad as his face. कैसा लगा वाटरफॉल? भाई इससे ज्यादा तो मेरा पसीना है। आपको कैसा लगा वाटरफॉल? इससे ज्यादा तो भाई मैं मुंह ही देता हूँ एक बार में। और अभी हम आ चुके हैं दिलपुई में, जो है थेंजोल का वेटनरी फार्म, जो कि हमारे ट्रिप का मेन अट्रैक्शन है। बेसिकली पोनी राइडिंग, बोट राइडिंग सब करने का मौका मिलता है, हम लोग सब ट्राई करेंगे। यहाँ पर देसी विदेशी सब तरह के हॉर्स के ब्रीड है। चेक हिम, डू यू वांट राइड हॉर्स? Do you wanna ride that horse? Oh, Shal! What is this? Yeah? Oh, ready.
रेडी है कोई अली से भाई ये सही देखा गेम डू एन राइड हॉर्स पहली बार पानी में बोट पे चढ़ा हूं मजाक का बात है इतने सालों के बोट नहीं चढ़ा लेकिन पहली बार बोटिंग कर रहा हूं मैं पैडल नहीं मार रहा रूबेन और चिकन पैडल मार रहा है अभी किस तरफ जाएगा अभी बोटिंग के बाद मैं जाऊंगा सीधे जिप लाइन पर और ये साइड में जो आप थोड़ा फैंसी नाव देख रहे हो इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है बेसिकली आप अगर फैमिली लेके आओ तो ही ऐसे नाव पे चढ़ो मैं सजेस्ट करूँगा अभी मुझे चढ़ना है जिप लाइन पे लेकिन फ़ोन लेके जिप लाइन पे चढ़ना और इतना बड़ा तालाब नीचे फ़ोन अगर हाथ से गिरा तो 20,000 रुपये का ही लेकिन कॉन्टेंट भी चाहिए क्या करूँ करना तो पड़ेगा ही Let's do it. One, two, one, two. अभी एक बज रहा है मजा आ गया राइड करके जो भी था लेकिन वाटरफॉल ने थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया अभी जाएंगे घोड़ा मैं नहीं चढ़ूंगा भाई घोड़ा चढ़ने का लाइफ में बहुत मौका मिलेगा तो घोड़ा नहीं चढ़ूंगा लेकिन चेकिंग हमारा घोड़ा चलेगा तो मेरा घोड़ा चलेगा चेकिंग चढ़ाऊंगा उसको अच्छे से घोड़ा खतरक 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 बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा हमारे पास कैश ही नहीं बचा इसलिए मैं नहीं चढ़ पाया कैश सब उन दो शाल और उनको दे देते ख़त्म हो चुका है वो लोग कैश नहीं लाए तो अभी चेकिंग में चढ़ाए वही है और हमारा प्रोफेशन में बहुत बार चढ़ने का मौका मिलेगा आशा करता हूँ फ्यूचर में तो अभी इसलिए नहीं चढ़ हमको जल्दी जल्दी निकलना है तो यही था थेंजोल का ब्लॉग अभी हम लोग सीधे ट्रिप पे जाएंगे हमारे ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इस दुकान का लंच अगर आप मिजोरम टूरिस्ट लॉज पे रहो तो ये यहाँ के पास ही ये दुकान है यहाँ पर आप लंच ज़रूर करना 200 रुपये में आपको एक बड़ा थाली मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त लंच करके अभी हम निकल चुके हैं फिर से हमारे कॉलेज के लिए आइजोल की तरफ लगभग 1.5 घंटे के करीब हम लोग राइड कर चुके हैं और मेरा लास्ट ब्लॉग जहाँ पर फिनिश हुआ था यानी कि एक्सटेंशन का ब्लॉग वहीं पर हम आके अभी रुके हैं और थोड़ा कुछ कुछ लोग सनबाथ ले रहे हैं यहाँ पर ये लोग तो वो लोग सनबाथ लेके एनर्जी लेके उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं फिर से फिर हमने सोचा था कि 7 बज जाएंगे अभी हमारा स्पीड देख के नहीं लग रहा 7 बजने वाले हैं इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं अभी तो अभी हम बाइक और स्कूटी जो भी लिए थे वो सब देखे चल पड़े हैं कॉलेज की तरफ जल्दी जल्दी टैक्सी पकड़ना है और फिर जाना है तो अभी के लिए बाय बाय यही था हमारा थेंजोल का ब्लॉग अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कभी मिजोरम आओ तो थेंजोल ज़रूर आना और हाँ याद करके सब्सक्राइब ज़रूर करना तमाल और इस वीडियो के लिए बेकार साइनिंग आउट ऑफ दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में